हाय गाइस, तो मैं आज करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत ही आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा और पिंपल एक्नी फ्री बना देगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ सॉरी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो आपको स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। जिसकी ऑयली स्किन है उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्नी पिंपल अभी गर्मियों में आ सकते हैं। तो मैं मेरा स्किन केयर जो है वो आपको दिखा रही हूँ मॉर्निंग का, तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहला जो चीज़ है वो है फेस वॉश, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता सबके पास कि डबल क्लिनजिंग कर पाए, तो आपको अगर घर पे हैं बाहर है फिर भी आपको फेस वॉश करना ज़रूरी है। अगर आप फेस वॉश नहीं करते हैं तो आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी मेरा रूटीन जो है वो दिखा रही हूँ, तो मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जो कि है द डर्मा को का। और जब भी आप फेस वॉश करते हैं ना, तो अपने फेस को आप गीला कीजिए, उसके बाद ही कोई भी फेस वॉश यूज़ कीजिए, ठीक है। तो गाइस, फेस को मैंने गीला कर लिया है, अब मैं लूँगी मेरा फेस वॉश जो कि कुछ इस तरह का है, बहुत ही लिक्विडी, बहुत ही हल्के हाथों से पूरे फेस पे अच्छे से आप मसाज करिए, ठीक है। एक मिनट तक आपको फेस वॉश यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज काफी लोग बस ऐसे लगाया मुंह धो लिया और फिर उसका फेस जो होता है वो क्लीन बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। ध्यान रखिए कि आंखों के अंदर ना जाए, ठीक है, और नाकों के आसपास, नाक के, होठों के आसपास, गर्दन में, हर जगह अच्छे से मसाज करें। अगर आपका फेस वॉश जो सूख जाता है तो थोड़ा सा पानी लीजिए, उसके बाद मसाज करें, लेकिन आपको 60 सेकंड तक मसाज करना बहुत जरूरी है। बहुत ही हल्के हाथों से करें, ठीक है। फेस वॉश तो आप नहाने जाए तभी कर लीजिए, लेकिन मैं मेरा स्किन केयर दिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको बाहर ही दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये फेस वॉश बहुत अच्छा है भाई, मुझे तो पसंद आया, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ओपन पोर्स की समस्या है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, इसका रिव्यू मैं बाद में दूंगी। तो मैं अच्छे से फेस वॉश करके आती हूँ पानी से। तो गाइस, देख सकते हैं आप कितना क्लियर जो है क्लीन फेस हो गया मेरा। और जब भी हम नैपकिन यूज़ करते हैं ना, कोई भी कपड़ा यूज़ करते हैं, तो बहुत साफ सुथरा रखें, ठीक है, ताकि आपका फेस जो है आपने क्लीन कर लिया है तो डस्ट वाला आप लगाओगे तो फेस के ऊपर डस्ट लग जाएगी, और अच्छे से आप साफ कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है गुलाब जल, और आप कोई भी टोनर यूज़ करें, ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी सालों से गुलाब जल ही यूज़ करती हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है ना तो बर्फ़ यूज़ करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होगी तब मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से आप हाथों पर ले लीजिए और इस तरह से पूरे फेस पर आप डैप कर लीजिए, और हमेशा गुलाब जल जो है ना फ्रिज में रखें, आपको गर्मियों में ठंडा ठंडा लगाने का बहुत मज़ा आएगा। और अच्छे से टप टप करते हुए इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। अगर आप अपनी स्किन के लिए 15 मिनट भी निकालते हैं ना, तो आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। भले आप रोज़ कोई रेमेडी ना कर पाएँ, हफ्ते में एक बार करें, लेकिन आपका मॉर्निंग का एंड नाइट का जो स्किन केयर है ना वो बहुत अच्छे से करेंगे ना, तो आपकी स्किन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसको मैं एब्जॉर्ब होने देती हूँ, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप ये है मामा अर्थ का फेस सीरम, जो कि राइस वाला है, और ये ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला है, और नाइट में मैं कोई अलग यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपको बाद में नाइट स्किन केयर जो है ना उसमें दिखाऊंगी। और ये बहुत अच्छा है मामा अर्थ का राइस फेस। अगर आप सीरम यूज़ नहीं करते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र सीधा यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा अच्छे से अपना स्किन केयर करें, और साथ ही साथ आप अच्छा स्किन केयर करते हैं ना तो आप थोड़ा डाइट पे भी ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि डाइट भी आपका अच्छा होगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, वरना हम कितना भी बाहर से लिपा पोती कर लें लेकिन अच्छा हमारा डाइट नहीं होगा ना तो फेस पर दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको अच्छे से मैं एब्जॉर्ब होने दूंगी, और कभी भी आप जो भी स्टेप करते हैं ना तो एक के ऊपर एक लेयर 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 लगा के ना जाए, उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए एक दो मिनट, कि आपकी स्किन जो है उसको ले सके, अंदर एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, खा सके आपकी स्किन उसको बेसिकली। तो दो मिनट मैं इसको एब्जॉर्ब होने दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यूज़ कर रही हूँ फेस मॉइस्चराइजर। आप चाहे तो सीधा सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं, उसको आपको स्किप नहीं करना है। सनस्क्रीन लोशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, और अभी गर्मियाँ शुरू हो रही है तो आपको लगाना ही लगाना। आप चाहे कर लीजिए, और जो वो मैं यूज़ कर रही हूँ ना फेस मॉइस्चराइजर, वो डर्मा को का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छे से आपके फेस के ऊपर लगा लीजिए और इसको भी अच्छे से थोड़ा मसाज करें, ठीक है, और साथ ही साथ गाइस आप गर्दन पे भी लगाएं, ठीक है, वरना आपका कलर टोन जो है ना वो अलग हो जाएगा,
इसको भी अब अच्छे से मैं एब्जॉर्ब होने दूंगी। और इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारी, थोड़ा थप थप आए, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। और मेरे बेटे को वैकेशन पड़ चुका है उसकी स्कूल में, तो वो आवाज़ कर रहा है, थोड़ा सा स्टेप हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो स्किन केयर है वो ये जो स्टेप है, सनस्क्रीन लोशन। आप कोई भी सनस्क्रीन लोशन यूज़ करें, लेकिन ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। तो ये अगेन द डर्माको का है, SPF 50 PA PPP+ है। मैं घर पे हूँ फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसको हाथों में ले लिया है। आप घर पे हैं तो भी यूज़ करें, अगर बाहर जा रहे हैं तो भी इसको ज़रूर यूज़ करें। बाहर जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। घर पे इससे कम वाला आप यूज़ कर सकते हैं, SPF 30 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और गाइस इसके बाद आप 5 या 7 मिनट बाद आपका, अगर आप ऑफिस जाती हैं या आप बाहर भी जा रहे हैं, तो इसके बाद आप अपना मेकअप जो है कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप मेकअप कर रही हैं या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या कुछ भी आप लगाना चाहें तो, ठीक है। अदरवाइज इतना इनफ है। इसके ऊपर लास्ट जो है हम लिप बाम ज़रूर लगाएंगे। आपको लिपस्टिक पसंद है तो आप लिपस्टिक लगा लीजिए, आपको लिप बाम पसंद है तो लिप बाम लगा लीजिए। और ये बहुत अच्छे से लगा लिया, क्योंकि आप सनस्क्रीन लोशन जो यूज़ करोगे ना जब भी, मतलब रोज़, तो आपको एक्नी, पिंपल, सनटेन, पिगमेंटेशन, छाया, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सारी जो स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, हम सनस्क्रीन नहीं लगाते ना, उसी की वजह से होती है। तो आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज कोई आप ऐसी क्रीम ले लीजिए जिसके अंदर SPF हो। आप चाहे तो गार्नियर की SPF 40 वाली यूज़ कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली है, और आपका एक ही में आपका दोनों काम हो जाएगा, क्रीम का और सनस्क्रीन लोशन का। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मुझे गार्नियर जो है क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यही सारा जो मैंने मंगवाया है, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे थोड़ी बहुत ओपन पोर्स है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से एब्जॉर्ब होने दूंगी। और लास्ट जो है मैं लिप कलर या लिप ग्लॉस कुछ भी आप लगा लीजिए। गाइस लास्ट में मैंने ये मिस क्लेयर का लिप बाम लगाया है, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वो मुझे है ना रिसीव टूटा हुआ हुआ था। आप चाहें तो इसको नोज़ पे या चिक पे आप टिंट की तरह भी यूज़ कर सकती हैं, अगर आपको ब्लशर का बहुत ज़्यादा शौक है, और आप चाहें तो इसके ऊपर आप लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा आ गया ना तो यहाँ लगा लेती हूँ गाल पे, अदरवाइज मैं नहीं लगाती हूँ रोज लिप बाम लगाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका फेस। गाइस सीरियसली आप अपनी स्किन केयर पे ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छा। गाइस यही था मेरा आज का वीडियो, और आप भी ज़रूर ट्राई करें, और इतना आपका फेस अच्छा हो जाएगा ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका फेस, आप ज़रूर ट्राई करें। और नेक्स्ट स्किन केयर रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। गाइस मैं थोड़ा बाहर भी दिखा देती हूँ आपको नेचुरल लाइट में, शायद आप लोगों को लगे कि अंदर की लाइट में मैं दिखा रही हूँ, तो ये बाहर मैं खड़ी हूँ, धूप आ रही है, तो आप देख सकते हैं स्किन जो है बहुत ही आपकी सुंदर हो जाएगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो, तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और आप भी ज़रूर अपना स्किन केयर कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बाय।